मेरे को कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि दौसा सांसद जसकोर मीणा ने सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल तो शुरू से ही होती रहती है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर सियासत जो हलचल हो रही है उसके बारे में दौसा सांसद बीजेपी जसकोर मीणा ने कहा है कि जहां सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में कार्य करती है बहुत छोटी मोटी गतिविधियां होना स्वाभाविक बात है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यह जब तक बनी है तब तक यह एहसास हो गया कि यह हलचल होगी और होती रहेगी। और जिस तरह से सचिन पायलट का ग्रुप अलग और अशोक गहलोत का ग्रुप अलग, तो यह जो सरकार है जो बहुत ही कम मार्जिन में खड़ी हुई थी उस मार्जिन में और भी कमी आई हुई है। तो हलचल तो होती ही रहेगी और कांग्रेस की आदत रही है क्यों वोट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा में उतरी है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर के चलती है। और साथ में सांसद ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसमें हम उठाएंगे और इनको राष्ट्रीय हित आता नहीं है, इनको सहित आता है, इसलिए आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में जिस तरह से ये सियासी हलचल चल रही है उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहां सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में काम करती है वहां किसी भी तरह की छोटी बड़ी गतिविधियां चलना स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस की सरकार है, ये तो जिस दिन बनी थी उसी दिन ये बीजारोपण हो गया था कि ये हलचल होगी और होती रहेगी। और फिर जिस तरह से सचिन पायलट ग्रुप अलग और गहलोत ग्रुप अलग, तो ये ग्रुप जो एक बहुत ही कम मार्जिन पर ये सरकार खड़ी हुई थी उस कम मार्जिन में और भी कमी आई है। अब इसीलिए हलचल तो होती रहेगी और महत्वाकांक्षी लोग इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिधि अपने ऊपर ले लेते हैं तो जनता का भला नहीं कर सकते। केवल वोट की राजनीति का खेल है, चलता रहेगा। कांग्रेस को आदत रही है वोट की राजनीति करने की। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा में उतरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास